अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे में होंगे। आज अगेन एक वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने बनाई थी चैट जीपीटी के ऊपर कि चैट जीपीटी है क्या और उसको यूज़ करते हुए हम अर्न किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डेमो दिया था। लेकिन अब उसका डेमो नहीं, एक प्रॉपर तरीकेकार आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि हमने उसको यूज़ किस तरह से करना है, किस काम के लिए यूज़ करना है, इसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो पूरी देखना, अगर कोई स्किल सीखनी है, कोई काम समझना है तो लाजमी वीडियो पूरी देखा करें। लाजमी नहीं कि मेरी वीडियो, किसी की भी वीडियो, अगर कोई लर्निंग करनी है किसी जगह से वीडियो लाजमी देखें पूरी, तब आपको समझ आएगी। अगर आप थोड़ा सा पोर्शन देख के उसके बाद कहेंगे जी हमें तो सब आ गया, या आप अगले मतलब सवाल जवाब करने लग जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा काम सीखने का ना समझने का, ठीक है? तो अगेन, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ वीडियोज़ के जरिए, ठीक है? तो ये वीडियो चैट जीपीटी पे ब्लॉग्स या आर्टिकल्स लिखने के बारे में, उसको यूज़ करते हुए हम ब्लॉग्स किस तरह से बना सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं और वहाँ से हम अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं, ये वीडियो उसके रिलेटेड है, ठीक है? तो इंशाल्लाह इस वीडियो का अच्छा खासा आपको फ़ायदा होगा। कि फ़ायदा कैसे होगा कि मैं आपको अभी सारा डेमो करके दिखाऊंगा कि हमने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए ब्लॉग लिखना किस तरह से, उसको पोस्ट किस तरह से करना है, किस प्लेटफॉर्म पर जाकर करना है जो हमारे लिए ईजी है, ठीक है? प्लेटफॉर्म्स तो बहुत हैं, अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो दी बेस्ट, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको जो है पोस्ट करो, जाके आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट आप ब्लॉग कर रहे हो तो उधर से ब्लॉग लिखवाओ, बहुत सिंपल है, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास ब्लॉगिंग वेबसाइट नहीं है, आप blogger.com पे जाके जो गूगल का है वहाँ पे अपना ब्लॉग फॉरन बनाओ, दो मिनट के अंदर ब्लॉग बन जाता है, ठीक है? ब्लॉग बनाओ, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह डालो, डिस्क्रिप्शन वगैरह डालने के बाद उसे ब्लॉगिंग शुरू कर दो, इधर से ब्लॉग लिखवाओ, चैट जीपीटी को कहो आओ भाई हमें इस तरफ इस टॉपिक के ऊपर ये ब्लॉग चाहिए, ब्लॉग आपको लिख के देगी। ब्लॉग लिखने के बाद आप उसको कहोगे यहाँ भी हमें ये वाले हैशटैग्स चाहिए, हमें ये कीवर्ड्स चाहिए, सारा डाटा आपको निकाल के देगी चैट जीपीटी। उसे डाटा निकलवाओ, डाटा निकलवाने के बाद उसको उठाओ, उठा के इधर पेस्ट करो और पोस्ट कर दो, सिंपल सा काम है। डेमो आपको करके दिखाता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, ठीक है? तो लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे, और फिर से वीडियो पूरी देखना अगर समझना है, कोई भी वीडियो, कोई भी किसी की भी वीडियो, मेरी नहीं किसी की वीडियो, समझना काम वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है? तो चलते हैं जरा लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरह से हमने ब्लॉगिंग करनी है चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। चले जरा जी दोस्तों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और अभी मैंने आपको क्या दिखाना था, दिखाना ये था कि हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए ब्लॉगिंग या आर्टिकल जो है वो राइट किस तरह से कर सकते हैं, और अर्निंग का एक सोर्स है ना यार, अच्छा खासा है। तो अब तरीकेकार क्या है कि सिंपल, ये ओपन ए मेरे पास खड़ी हुई है, openai.com मैंने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, चैट जीपीटी 4 ये तो हमने नहीं खोलना, हमने चैट जीपीटी पे जाने के लिए, ये फ्री वाली है तो हमने इसको यूज़ करना है फ्री वाली को, ये आ गई चैट जीपीटी। अब यहाँ पे आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप टॉपिक पे स्टार्ट कर दो ब्लॉग लिखना। कैसे लिखेंगे जी, इसको कमांड देंगे राइट एन आर्टिकल लिख दो या राइट अ ब्लॉग अबाउट फ्रीलांसिंग, इंटर कर दिया, वो स्टार्ट हो गया जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये हमें किस तरह से काम देता है, ठीक है? फ्रीलांसिंग के रिलेटेड उसने शुरू कर दिया, द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बीइंग योर ओन बॉस, फ्रीलांसिंग हैज़ बिकम अ पॉपुलर कैरियर चॉइसेस एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ पे इसके प्रोस बता रहा है तो, और फिर आगे जो है कॉन्स बताएगा, इस तरह से एंड पे कंक्लूजन बताएगा, ठीक है? एक तो चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि अभी ये हम यहाँ से ब्लॉग लिखवा रहे हैं, ठीक है ना? तो ब्लॉग लिखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ब्लॉग लिखने ये इसे लिखवाने के बाद, लिखने के बाद नहीं, इसे हम ब्लॉग लिखवाएंगे, उसको जाके हम पब्लिश करेंगे। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है उसके ऊपर ब्लॉगर वेबसाइट है, अगर आप ब्लॉगर पे कर रहे हो, जो गूगल की एक सर्विस है blogger.com, तो अगर आपने वहाँ ब्लॉग बनाया तो वहाँ पे भी कर लें तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? और यही कुलिया और तरह भी काम आ सकता है हमें कई जगह पर, ठीक है? क्योंकि हम इससे तकरीबन दुनिया जहान का डाटा इकट्ठा करके बैठा है, गैदर करके बैठा है चैट जीपीटी, सो इसको बहुत ईजी है यूज़ करना आपके सामने, कि मैंने उसको छोटी सी कमांड दी है और ये हमारा ब्लॉग इज़ रेडी, ओके? सो अब इसको हम करेंगे क्या, ब्लॉगर न्यू पोस्ट, ये मैं पोस्ट पे जा रहा हूँ, मैंने एक ब्लॉग शुरू किया, मैंने कहा चलो यार साथ साथ पंगा लेते हैं, तो ये आ गया हमारा, ठीक है? अब यहाँ पे पहली चीज़ ये इसने हमें ऊपर दे दिया, फ्रीलांसिंग बीइंग योर ओन बॉस, उसने एक टाइटल भी हमें साथ ही दे दिया। टाइटल आप अपने वर्डिंग में भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। नीचे उठाओ, इसको लाओ, ये सारा का सारा मैंने किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक हो गया। एक तरीका और आप लगा सकते हो कि आप इसको पहले डाल दो इसमें नोटपैड के अंदर, और वहाँ इसका जो है ये चेंज कर सकते हो, जो उसको कहते हैं क्या कहते हैं यार,
वर्डिंग जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, इसका ये जो चेंज करते हैं इसको मुझे नाम भूल गया यार, कैसी अजीब सी बात है, फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल जो है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल जेन में नहीं आ रहा था ना, अभी यहाँ से खोला तो यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ ये आया, मुझे जेन में आ गया फॉन्ट होता है, ठीक है। तो फॉन्ट वहाँ से चेंज करके फिर इसको यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट डाल सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी चीज़ आप अक्सर पिक्चर्स ऐड करने का काम होता है, पिक्चर तो ऐड करनी चाहिए ना, सो फ्रीलांसिंग इंटर मार देते हैं, इमेजेस पे जाते हैं, गूगल से हमें इमेजेस मिल जाती हैं। सो कोई भी आप उठाओ पिक्चर या अगर अपनी बना लो तो क्या बात है, यहाँ पे कैनवा पे जैसे ये मैंने बनाई हुई है, सो कैनवा के ऊपर जाके आप बना सकते हो, ठीक है, और कैनवा पे पिक्चर बना के आप वो अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ से ये आपके पास एक डाटा पड़ा है दुनिया जहान का, यहाँ से आप उठाओ ये उठा लेते हैं फ्रीलांसिंग स्कूल, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ठीक है, हम इसी को उठा लेते हैं। सेव इमेज एज वेब पेज पे आ रही है, इसको थोड़ा सा हम चेंज करके डॉट जेपीजी कर देंगे तब भी हमारी पिक्चर जो काम आ जाएगी। तो ये मेरे डाउनलोड्स के अंदर आई पड़ी है, मैं उधर जाके दूसरी स्क्रीन पे डाउनलोड्स पे, तो इसको यहाँ किधर क्या ब्लॉगर 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 में आके ये इमेज पिक्चर, ठीक है, अगर हम स्टार्ट पे लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ला के इसको भी देखना, जहाँ आपका ये कर्जर खड़ा होगा ना ये टिक टिक करने वाला फ्लैश करने वाला, वहाँ ऐड करेगा पिक्चर को। सो इंसर्ट इमेज अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर फोटोज़ ब्लॉगर बाय यूआरएल, हमारे पास हमने करने कंप्यूटर में से अपलोड, सो हम कंप्यूटर में उसको ऑप्शन को ओके करेंगे, चूज़ फाइल और ये ला के इसको डाल दिया हमने यहाँ पे, ये पिक्चर हो जाएगी एक मिनट में अपलोड, ठीक है, ये पिक्चर हमने कर दी सिलेक्ट, ये हमारी पिक्चर आ गई। अब हमने देखना है कि हमने इसका साइज़ क्या रखना है, सो हमारी मर्ज़ी की बात है, हमने इतना बड़ा साइज़ कर दिया, ये हमारा जो ब्लॉग है वो बन गया ब्लॉगर के ऊपर, बनाया हमने चैट जीपीटी से और ये मैंने पब्लिश कर दिया, ठीक है। ये तो आ गया फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, ये ब्लॉग लग गया, मैंने और भी कुछ लगाए हैं यहाँ रिसेंटली लगाए हैं, मैंने कहा चैट जीपीटी को यूज़ करें, तो अब ये ब्लॉगिंग आप इसके ज़रिए कर सकते हैं चैट जीपीटी के ज़रिए, ठीक है। आप किसी चीज़ पर ब्लॉग लिख सकते हो, लाइक अब मैं यहाँ पर किसको ये फ्रीलांसिंग था, सो हम यहाँ लिख देते हैं अबाउट ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग, इसको कमांड दी और इसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड मुझे ब्लॉग लिख के दे देगी चैट जीपीटी, तो इस ब्लॉग को मैं वहाँ पे जाके पब्लिश कर दूंगा, कहाँ पे, ब्लॉगर के ऊपर। तो ब्लॉगिंग के लिए भी बेस्ट है कि इसमें लिखने वाला काम है, और इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए हम वीडियोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती हैं, ठीक है, एआई हैं सारी की सारी और फ्री हैं, अभी चल रही हैं, बाकी चैट जीपीटी 4 भी वो एक्सेसिबिलिटी दे रहा है हमें, लेकिन वो पेड है, ठीक है, तो इसलिए हम उस पे नहीं जाएंगे, मैं आपको दूसरे के बारे में बताऊंगा। और इसी को हम फाइवर सर्विसेज के अंदर दे के भी हम जो अपना बना सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ब्लॉगिंग के ऊपर है, इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है अगली जो वीडियोज़ आएंगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो मेकिंग वीडियो क्रिएटिंग पे और फाइबर के ऊपर इसका सर्विसेज देने के रिलेटेड और इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने बनानी है, ठीक है, और इंशाल्लाह वो वीडियोस भी आपको जल्दी मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए किसी नए टॉपिक के आने तक के लिए मुझे याद दीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।